इस खबर की सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारानी रोड मसौरा कलां ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैनचुंगी। मैं हूँ शहर के बीचों बीच पानी की टंकी रानीबाग स्थित महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक फर्म पर, जहाँ पर विगत रात की शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। लाखों का माल स्वाहा हो चुका है, राख हो चुका है, जिसमें LED फ्रिज, कूलर, पंखे और बैटरी, इन्वर्टर, अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे जो आग के कारण राख हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आप देख सकते हैं उस महालक्ष्मी फर्म पर लोग, जैसे ही आग लगने का सुना और यहाँ पर लोगों का तांता लग गया, उनके शुभ चिंतक होगा। जो इस दुकान के संचालक हैं अनूप अग्रवाल, उनके संपर्क रिश्तेदार, दोस्त यार, परिवार के लोग सभी इस कुतूहल के विषय को जानने के लिए प्रतिष्ठान पर आए हैं और देख रहे हैं, आग लगने के कारण को जान रहे हैं। और जो उपकरण आपकी आपके उसमें पूरी तरह से खाक हो चुके उनको देखा गया। और दुख की बात भी है, गम का भी माहौल है, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी का सीजन है, कूलर पंखे इत्यादि, इन्वर्टर इत्यादि पूरी तरह से स्टॉक कर लिया गया था। लेकिन इस तरह हम ये भी जानकारी मिली है कि कुछ माल गोदाम में था जो बच गया है, लेकिन जो दुकान के अंदर स्टॉक और विक्रय के लिए रखा गया था वह आग के चलते पूरी तरह से खाक हो चुका है। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं आपसे बात करा रहा हूँ अनूप अग्रवाल, जो इस दुकान के संचालक है, वो बताएंगे आपको कि आग लगने का कारण क्या है, क्या नुकसान हुआ है। फ्रिज, कूलर और LED और अनेक प्रकार के उपकरण आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से आग की ढेर में राख हो चुके हैं और नुकसान हो गया है लाखों रुपए का। इसके संचालक जो हमारे अनूप अग्रवाल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से, बताएंगे कि क्या नुकसान हुआ, आग लगने का क्या कारण है। ललितपुर लाइव टीवी से बने रहिए। हम बात कर रहे हैं महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक भाई अनूप अग्रवाल जी से। हम बात करेंगे कि आग लगने का कारण क्या हो, क्या नुकसान हुआ, बताएं। आग लगने का प्रमुख कारण तो मालूम नहीं पड़ा है। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट सर्किट ही लग रहा है, चूहों ने तार काटे हो और इलेक्ट्रिक कैमरे से जो वीडियो कैमरे लगे हुए हैं उसके कारण आग पकड़ी है। कितना नुकसान हो सकता है अभी तो अनुमान नहीं लगाया है, फिर भी जो भी सारी LED फ्रिज वगैरह थे सब खाक हो गए। कोई भी सामान सुरक्षित बच पाया कि नहीं बच पाया? थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, उसमें थोड़ा सामान गोदाम में रखे होने के कारण बच गया हमारा। इस तरह अनूप अग्रवाल जी ने अपने आग लगने का अज्ञात कारण बताया, तो वहीं लाखों रुपए के नुकसान का आंकलन भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम अपने जो दस्तावेज हैं उनका आंकलन करके नुकसान का आंकलन कर पाएंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और इस आग के काल में लाखों रुपए का माल स्वाहा हो चुका है। और फायर ब्रिगेड जिसको सूचना दी गई थी उसका जो टाइमिंग था वो कम समय में आने की वजह से नहीं आ पाया और लेट आए, जिसके कारण चलते कुछ भी आग में जाना खाक हो गया। अगर वो समय के रहते आते तो कुछ सामान बच सकता था। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। गैस में फटा हुआ? हाँ भैया। और खाली